कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना ने की राजद्रोह की शिकायत। मुंबई को पीओके से कंपेयर करना कंगना को पड़ा भारी। कंगना रनौत को मिला मुंबई में सिर्फ 7 दिनों तक रहने का अल्टीमेटम। उनके सामने बीएमसी ने रखी कंडीशंस। क्या कंगना मुंबई में सिर्फ 7 दिनों की मेहमान है? कंगना के ओपन चैलेंज पर मुंबई महानगर पालिका के एक्शन का हुआ बड़ा खुलासा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना आईटी सेल ने ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंगना पर मुंबई की तुलना पीओके से करने पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत दी गई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत के साथ कंगना रनौत की तीखी बयानबाजी जारी है। इस दौरान संजय राउत ने कंगना से कहा था कि अगर उन्हें मुंबई पुलिस से इतना ही डर है तो वो मुंबई में कदम ना रखे, जिसके बाद एक ट्वीट के जरिए कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया था। संजय राउत ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। इसके बाद कंगना ने चैलेंज किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है, जिसके बाप में हिम्मत हो वो रोक ले। संजय राउत ने टीवी चैनल पर कंगना को हरामखोर लड़की बोल दिया। दोनों हस्तियों के बीच इस वॉर के दरमियां केंद्र ने कंगना को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है और 9 सितंबर को कंगना मुंबई लौट रही है, लेकिन बीएमसी ने कंगना को क्वारंटीन करने का प्लान बनाया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी का कहना है कि कंगना अगर 7 दिन से ज्यादा रुकेंगी तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा। यानी कि कंगना को एक तरीके से कोविड-19 गाइडलाइंस के जरिए ये बताया जा रहा है कि वो 7 दिन से ज्यादा मुंबई में रही तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। अब कंगना 9 तारीख को आ तो रही है, लेकिन वो यहाँ कब तक रहने वाली है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। लेकिन एक बात तो तय है कि कंगना को मुंबई आकर मुसीबतों का पहाड़ पार करना है, क्योंकि उन्हें मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई थी। कंगना ने अपने ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने इस मामले में मूवी माफिया को निशाना बनाया है और कहा कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मूवी माफिया, आज भले ही आप मेरा चेहरा और मेरा घर अपने पावरफुल दोस्तों के सहारे तोड़ सकते हो, ये आप लोगों को क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आप जानते होंगे कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहाँ खत्म कर दोगे तो मैं कहीं और उत्पन्न हो जाऊंगी। यकीन मानिए, इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द होगा। अब मुंबई को पीओके बताने के मामले में शिवसेना आईटी सेल ने ठाणे में कंगना के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। कंगना को इन सब मामलों से निपटना है। क्या है उनका एक्शन प्लान, ये बहुत जल्द सामने आएगा। फिलहाल बीएमसी अपने प्लान के साथ तैयार है। इस पर आपके क्या रिएक्शंस है, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।